हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन माय एडुकेशन हब। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नाम से हो सकता है आपको आइडिया ना लगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे एक टर्म लिखने वाली हूँ या डायनेस्टी का नाम लिखने वाली हूँ, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट द सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के साथ आज हम एक और डायनेस्टी करेंगे, दैट इज़ कनवा डायनेस्टी। अब देखो, पिछले जो लेक्चर थे ना, उसमें ये था कि चलो थोड़ा समझ समझ के, लेंथी लेक्चर भी होगा तो याद रह जाएगा। पर यहाँ वाले जो लेक्चर्स आएंगे अब, इसमें थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं और समझने वाली कम होंगी, तो इसलिए दो दो डायनेस्टीज़ अब हम कवर अप करेंगे। ऑल दो इसके बाद जब हम सुंगाज और कनवा कवर अप कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास थोड़े से इंडो ग्रीक्स के आएंगे, तो उसका एक लेक्चर आएगा। देन वी हैव टू डू सतवाहनास। एंशियंट हिस्ट्री हमारी अब कंप्लीशन पे ही है, उसके बाद हम अर्ली मेडिवल के तीन चार लेक्चर्स करेंगे एंड देन मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको PDF चाहिए देन यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर चैप्टर नंबर की बात करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 13, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ द Part 1। काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे अगर हम पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट देखें ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, अगर टाइम पीरियड की बात करूँ तो 200 BCE टू 300 CE, ठीक है, इसके अराउंड ये टाइम पीरियड चलेगा जो अभी हम कवर अप करने वाले हैं। होता क्या है, जैसे ही आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे कौन थे, बृहद्रथ। तो इनको किसने किल किया था, तो पुष्यमित्र सुंगा ने, पुष्यमित्र सुंगा ने क्या किया, इनको मार दिया था, ठीक है। क्योंकि हमने देखा किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन करी अपने मौर्यन एम्पायर की, फ्रॉम मगध टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे सेकंड आए थे बिंदुसारा, बिंदुसार के बाद आए थे अशोका, अशोका के बाद आए थे बृहद्रथ। पर हम देखते हैं किस तरह से अशोका जो थे वो पहले ग्रेट किंग हुआ करते थे इन टर्म ऑफ वॉर, फिर बाद में ग्रेट किंग बन जाते हैं इन टर्म ऑफ धम्मा, उसके बाद इनका फोकस हो जाता है स्पिरिचुअलिटी तो नहीं कहेंगे पर यस धम्मा के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है कि हर एक इंसान को एनलाइटनमेंट की तरफ जाना चाहिए। फिर उसकी वजह से होता क्या है, उनका ट्रेजर काफ़ी कम हो जाता है, और जब ट्रेजर कम होता है तो उससे क्या होता है, बृहद्रथ को सत्ता में मिलती ही बहुत कम पावर्स हैं, तो पुष्यमित्र सुंगा उनको मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो पुष्यमित्र सुंगा एस्टेब्लिश करते हैं सुंगा डायनेस्टी। अभी जब हम सुंगा डायनेस्टी देखेंगे ना, तो इसमें हम देखते हैं कि जितना एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर यू कैन से जितना एम्पायर मौर्यंस का था उतना ही रहता है, कोई एक्सटेंशन नहीं थी खास कि हम ये बोल सकें कि हाँ ये वाला एरिया इन्होंने एक्वायर करा, वो वाला एरिया एक्वायर करा, तो वैसा कुछ नहीं था। जितना मौर्यन एम्पायर था उतना ही इनका रहता है। और बट यस, हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलती हैं इस टाइम पे, अचीवमेंट्स मिलेंगी हमें इन टर्म्स ऑफ द कल्चर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कल्चरल अचीवमेंट हमें टाइम पीरियड ऑफ 200 BCE टू 300 CE। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, अगर किसी ने ना कल HAS का एग्ज़ाम दिया हो, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम था कल, तो उसमें ना एनवायरनमेंट के तो सारे क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन कवर अप करी थी, तो वो सारे ही मैंने आपको बार बार वहाँ पे रिवाइज भी करवाया था अबाउट द ईयर्स, क्योंकि ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और कल का पेपर था ना जो HPASC का, उन्होंने क्या किया हुआ था, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया एक तरफ और उसका ईयर पूछ लिया था कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप करी हैं। फिर उसके बाद सॉइल के बारे में मैंने बीच बीच में आपको बताया था, तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए, ठीक है। तो उनको पक्का से देख लेना एनवायरनमेंट के, पर अभी दोबारा से आएंगे एनवायरनमेंट की वीडियोस जो अभी लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द एंशियंट हिस्ट्री, नाउ आपको मैं बता रही थी कि क्या अचीवमेंट्स होती हैं, तो कल्चरल अचीवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको रादर देन द एक्सटेंशन। ये नहीं बोल पाएंगे हम कि हाँ इतना ज़्यादा एरिया एक्सटेंड करा था सुंगास ने, तो वैसा अब हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अब जो चीज़ थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर पूरी मौर्यन डायनेस्टी जो थी, उनका मेन फोकस था मगध वाले एरिया पे, ठीक है। पर अभी हम जब सुंगास में जाएंगे, तो सुंगास डायनेस्टी में हम देखें किस तरह से उनका शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम मगध टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो कंधार कम्बोज वाला जो एरिया था, यानी कि रुको इस तरफ, ठीक है,
इस तरफ ज़्यादा रुझाव हो जाएगा, जबकि मौर्यन का इस तरफ था, ये जो मैं अभी हाईलाइट करती जा रही हूँ, यहाँ पे आपके मौर्यंस का हुआ करता था, पर जो आपके सुंगाज हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ अब जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी वही है, ऐसा नहीं है कि मगध वाला छोड़ दिया, एस्टेब्लिश तो वहीं से हुए ना, बृहदरथ तो इधर ही थे मगध वाले एरिया में, तो यहाँ से इनका पॉलिटिकल शिफ्ट होता है टुवर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए शो करा है कि यहाँ पे भी इनका रूल था, पर इनका मेन जो पॉलिटिकल शिफ्ट करता है वो दैट इज़ टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो विद टाइम मैप्स चेंज होते रहते हैं, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इमर्ज होती रही। अब देखो, जो मॉरेंस थे उनका ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ हम अलाइंस बना के रहेंगे, एक्सेप्ट साउथ इंडिया, साउथ इंडिया को छोड़ के बाकी सभी के साथ। फिर उन्होंने क्या किया था, खुद कॉन्कर किया था, लड़ाई करके कॉन्कर किया था, और जो वो 6 पॉलिसीज दी थी इंटरनेशनल रिलेशन वाली पॉलिसीज अर्थशास्त्र में बाय कौटिल्य, तो उनको फॉलो किया था। पर अब हम सुंगाज में जब आ गए तो हम देखेंगे यहाँ पे ज्वाइंट रूल ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वीक रूलर्स अब देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट द सुंगाज अभी के लिए, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ज्वाइंट रूल करते हैं। कई जगह पे सबॉर्डिनेट भी होता है, सबॉर्डिनेट यानी कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमारे अंडर ही हो, ऑल्दो आपको बोला राजा ही जाएगा, तो ये हो गया आपका सबॉर्डिनेट रूल। फिर इसके बाद बोला कि जो सिटीज़ थी वो काफ़ी इमर्ज होके आती हैं सुंगाज डायनेस्टी में, रूरल से सिटीज़ की तरफ ज़्यादा डोमिनेंस आ जाती है ड्यूरिंग द सुंगाज पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है, क्राफ्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आता है, क्राफ्ट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, करेंसी का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया ड्यूरिंग द सुंगास। करेंसी के साथ साथ अगर हम और बातें करें तो नए कल्चर्स यहाँ पे इमर्ज हुए, न्यू कल्चर्स। ठीक है, आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, दिस इज़ द बेसिक, अगर आपको स्टार्ट करना हो अबाउट द सुंगास डायनेस्टी तो यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आर्किटेक्चर के साथ साथ जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब है टेम्पल्स वगैरह के ऊपर फोकस दिया जाने लगा। टेम्पल्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी भी बुद्धिज्म और जैनिज्म तो चल ही रहा था ना, डिग्रेड तो कर गया था, वो मैंने रीजंस बता दिए थे आपको कि किस तरह से जब पुष्यमित्र सुंग आते हैं तो उनके टाइम पीरियड पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वो डिक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी। डन, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सुंगास डायनेस्टी ने फोकस किया। नाउ अगर थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता दूँ, तो अब देखो लास्ट मौर्यन रूलर कौन था, बृहदरथ, पेन चेंज करने दो, तो दिस वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर। ठीक है, LMR, लास्ट मौर्यन रूलर। अब पुष्यमित्र सुंगा ने इसको मार दिया था अराउंड 187 BCE। ठीक है, और ये बेसिकली जो पुष्यमित्र सुंगा था ना, चलो इनके इधर ही लिखते हैं, ये जो पुष्यमित्र सुंगा थे ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ बृहदरथ, तो जो बृहदरथ थे उनके ही ये कमांडर इन चीफ थे। तो होता क्या है, ये देखते हैं कि किस तरह से ये इतना ज़्यादा वीकन कर चुका है मौर्यन एम्पायर, तो ये क्या करते हैं, बृहदरथ को मारते हैं और खुद क्या एस्टेब्लिश कर देते हैं, सुंगास डायनेस्टी। अब देखो जो हमारे मौर्यंस थे, मौर्यंस के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस कास्ट को ये बिलोंग करते थे, क्योंकि हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलता है कि वो क्षत्रिय थे। वहीं पे हम अगर ब्राह्मणिकल सोर्सेज देखते हैं तो वहाँ पे क्या मिला हमें कि वो क्या थे, शूद्र थे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल सोर्सेज। रीजन मैंने आपको बता दिया है लास्ट लेक्चर्स में, क्योंकि ये लोग देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट कर लिया बाद में जैनिज्म, बिंदुसार ने आजीविका, अशोक का ने हीनयान बुद्धिज्म, तो इस तरह से इन सभी ने ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को छोड़ के इन सारे रिलीजन्स के ऊपर फोकस किया, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल सोर्सेज में क्या मैंशन करा गया कि जो मौर्यंस थे देवर शूद्र। अब जब सुंगा डायनेस्टी आती है तो सुंगाज के बारे में भी हमें बहुत सारे ऐसे एनालिसिस मिलते हैं, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि देवर ब्राह्मण्स। अगर ब्राह्मण्स दोबारा से आ चुके हैं तो रिचुअल्स भी दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, रिचुअल्स भी दोबारा से शुरू हो गए हैं, वही सेरेमनीज दोबारा से शुरू हो जाएंगी। वो यज्ञ आपने पढ़े थे अगर आपको ध्यान हो, अश्वमेधा, कि जो घोड़ा होगा वो करेगा डिसाइड कि राजा की टेरिटरी कहाँ तक होगी, तो वो सारे रिचुअल्स दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द सुंगास डायनेस्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन मेन एरियाज हैं तो आपने मैप में भी देख लिए, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, सकेत, सांची, उज्जैन, और इसके अलावा विदिशा वाला एरिया, वो भी यहाँ पे पड़ता है विदिशा,
ठीक है, विदिशा के साथ अयोध्या वाला एरिया यहाँ जैसे पड़ेगा। तो ये कुछ और पंजाब के भी पार्ट्स, ये सारे जो थे मेन एरियाज थे फॉर द सुंगास डायनेस्टी। तो जो ये मैंने यहाँ पे पंजाब वाला एरिया बोला है, पंजाब के साइड में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ये भी पार्ट्स, तो ये सारे जो थे कहीं ना कहीं सुंगास ने दोबारा से कॉन्कर करे। तो आई वुड से कि जो मॉरेन्स का एरिया था वहीं पे ज़्यादा फोकस रहा सुंगास का भी, कोई नई टेरिटरीज जो थी वो इन्होंने एक्वायर नहीं की। चलो अब कर रहे थे हम अबाउट द सोर्सेज, तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पे हमें मेंशन मिलता है कि ये लोग ब्राह्मण थे। तो एक तो आपको हर्षचरिता देखने को मिलेगी। अच्छा, हर्षचरिता के राइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट होप आपको याद है, ऑल्दो मैं तो बता ही दूंगी। तो किसने लिखी थी हर्षचरिता? बाणभट्टा ने, जो हर्षवर्धन किंग थे आपके, तो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर अगे हैं, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में बाय द एंड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री और स्टार्टिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। तो हर्षचरिता जो थी दैट वॉज द बुक बायोग्राफी थी बेसिकली ऑन द किंग हर्षवर्धन। ठीक है, किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। कई बार ऑप्शंस में हर्षचरिता के सामने लिखी होता है हर्षवर्धन, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इनकरेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब कल के पेपर से जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। अब ना जो आप बोलोगे ना पेपर के लेवल है ना वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, दो ऑप्शन अगर आपको ठीक से आते होंगे ना, तीसरी इतनी कॉम्प्लेक्स पूछ लेंगे, ईयर के बारे में सीधा फैक्चुअल पूछ लेंगे। तो जो ईयर्स हैं स्पेशली एंशियंट के तो नहीं, क्योंकि एंशियंट के तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, पर जैसे कि आगे हम अर्ली मेडिवल करेंगे, मेडिवल करेंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, तो उनके ईयर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करो, पर सुन लिया करो लेक्चर को एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि अब ये वो टाइम है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसे नहीं कि सिलेक्टिव सा पढ़ा, हाँ ये आइडिया सा लगा लिया पुराने पेपर से। क्योंकि जो एचएएस का एग्जाम था अगर जो, तो पीवाईक्यू देख के गए थे, उसके बेसिस पे जिन्होंने तैयारी करी थी उनका तो इस बार होने से रहा। ठीक है, बहुत ब्रॉड पेपर आया हुआ था, और तो वो क्रैमिंग वाला पोर्शन ही मैं बोलूँगी, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्रोनोलॉजीज पूछी थी कि किस ईयर में कौन सी चीज़ आई। ठीक है, तो दैट्स हाउ दैट पेपर वॉज एस्टेब्लिश्ड। एनी हाउ वापिस आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो अब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे हमें पुष्यमित्र सुंगा के बारे में या फिर ओवरऑल सुंगास के बारे में पता चलता है? तो एक तो आती है हर्षचरिता। हर्षचरिता में कहते हैं कि यस देवर ब्राह्मण्स। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक थी तो बृहद्रयंका। तो जो बृहद्रयंका उपनिषद है इसमें भी जो आपके सुंगाज हैं उनको क्या बोला गया कि देवर ब्राह्मण्स। फिर एक बुक थी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको पढ़ा दी है और उसके बाद हम दो तीन बार पढ़ चुके हैं, अष्टाध्यायी। किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी। तो पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी उसमें भी क्या बोला गया कि यस जो सुंगाज थे देवर ब्राह्मण्स। फिर इसके बाद मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्नि मित्रम, तो ये बुक भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी किसकी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर कालिदासा, जो इनके तीन ड्रामास हैं और चार पोएम्स हैं वो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हुआ करते थे जैसे कि दिव्य वदाना, ये हम कर चुके हैं बुद्धिज्म में, दिव्य वदाना दैट इज अ बुद्धिस्ट क्रॉनिकल, और ये जो श्रीलंका में लिखा गया था बेसिकली, सॉरी श्रीलंका में नहीं, अपने नॉर्थ इंडिया वाली साइड में लिखा गया था। तो दिस इज़ द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल, नॉट श्रीलंकन, श्रीलंकन तो वो थे देववंश और महावंश, सिंपली बोलो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल। तो ये सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे मेंशन करा गया है कि यस जो सुंगस थे देवर ब्राह्मण्स। तो यहाँ से कंफर्म है कि ये किस कास्ट, सो कॉल्ड कास्ट को बिलोंग किया करते थे, ब्राह्मण। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पूरे सुंगा डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, एक्चुअल जो रूलिंग टाइम पीरियड क्या है और कब ये जाके एस्टेब्लिश होता है, तो इट इज़ फ्रॉम 185 CE टू 148 CE। एक मिनट, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हो सकता है वहाँ से डाउट हो जाए। हाँ, ये 200 BCE टू 300 CE, दैट इज़ द ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसमें हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स भी इसी टाइम के बीच में आएंगे, देवर द कंटेम्प्रेरी, तो इसी वजह से मैंने बोला कि 200 BCE टू 300 CE इज़ ओवरऑल टाइम ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। और जो सुंगाज हैं इनका अगर स्पेसिफिक टाइम देखें तो कितना आ जाएगा, अराउंड यहाँ पे कहाँ लिखा था मैंने, अच्छा यहाँ लिख दिया था 185 CE टू 148 CE। ओवरऑल सा टाइम याद रखना है, पूरा एज इट इज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
नाउ पुष्यमित्र सुंगा के बारे में ही अगेन अगर मैं बात करूं तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। बृहदरथ के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे थे। ही परफॉर्म टू अश्वमेध सेक्रीफाइसेस। अच्छा, अब मैंने लिखा टू कि दो अश्वमेध सेक्रीफाइसेस इन्होंने परफॉर्म किए थे। कहाँ पे मेंशन है ये चीज़? वो चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो अयोध्या में हमें एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलता है। अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे हमें मेंशन मिलता है कि इन्होंने दो अश्वमेध इंस्क्रिप्शन, सॉरी दो अश्वमेध इंस्क्रिप्शन नहीं, सॉरी अश्व आई एम सो सॉरी, गलत बोल दिया। दो अश्वमेध सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करे थे। कहाँ पे मेंशन है? अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। और कौन से किंग थे उस टाइम पे? दाना। ठीक है, तो ये किंग हुआ करते थे, इनके टाइम पे ये अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन बना था। तो उस पे मेंशन है कि जो पुष्यमित्र सुंगा है वो दो अश्वमेध सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं। अब इनकी एक्सटेंशन बोली जाती है कि कहाँ से कहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बोला जाता है, देखो दिस इज़ द काठियावाड़ पेनिनसुला, इधर यहाँ से जाती है आपकी नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर? ये बना दी मैंने यहाँ पे, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर से लेके साउथ वाले पार्ट तक इनका एक्सटेंशन रहता है। और कुछ सिटीज़ जो इन्होंने इंक्लूड करी थी, जैसे कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र आज का पटना वाला एरिया, फिर अयोध्या और विदिशा। तो ये एरियाज जो थे देवर कॉन्कर्ड बाय द पुष्यमित्र सुंगा, यानी कि इनका फोकस जो था इन तीन सिटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा था। ठीक है, कालिदास की एक बुक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम के अंदर हमें एक चीज़ मिलती है, वो क्या है? मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। ये बोलते हैं कि जो पुष्यमित्र सुंगा थे, जो पुष्यमित्र सुंगा थे, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे किसके साथ? यज्ञ सेन। ठीक है, अब ये यज्ञ सेन कौन थे? तो यहाँ पे जगह नहीं है मैंने रखी हुई, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। यज्ञ सेन कौन हुआ करते थे? ही वॉज द किंग ऑफ विदर्भा। विदर्भा कहाँ पे पड़ता है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। विदर्भा, विदर्भा जो हुआ करते थे, ये कौन से एरिया में है विदर्भा? तो ये पड़ता है आपका ईस्टर्न महाराष्ट्र में। ओवरऑल आप बोल सकते हो कि किंग ऑफ विदर्भा, पर ध्यान रखना कि ईस्टर्न महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और यज्ञ सेन का जो एम्पायर था दैट वॉज कॉन्कर्ड बाय पुष्यमित्र सुंगा, जो ये पिक्चर लगाई हुई है। डन। तो यहाँ पे हो जाता है आपका पुष्यमित्र सुंगा का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो सारे। एक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी, दो तीन चीज़ें और बचती हैं अभी। चलो, अब इसके अलावा मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडो ग्रीक्स के बारे में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक बैक्टीरियन ग्रीक हुआ करता था, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आ जाएगा, डिमेट्रियस। जो डिमेट्रियस थे उनको भी डिफीट किया था पुष्यमित्र सुंगा ने। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये कहाँ पे पता लगता है हमें? तो जो पतंजलि की बुक थी महाभाष्य, जो पतंजलि की बुक है महाभाष्य, वहाँ पे क्या मेंशन करा गया है? अबाउट द यवनास। अब ये यवनास कौन हुआ करते थे? तो दे वर द फॉरनर्स। ये यवनास आते हैं और बोला जाता है कि कौन से एरिया में आते हैं? तो आपके अयोध्या वाले एरिया में और चित्तौड़ वाले एरिया में। तो जब ये अयोध्या और चित्तौड़ वाले एरिया में आते हैं तो ये सारी चीज़ कहाँ पे मेंशन कर दी गई? पतंजलि की महाभाष्य बुक में। ठीक है, फिर इसके बाद एक और एविडेंस मिलता है मालविका अग्निमित्रम के अंदर। मालविका अग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास। मालविका अग्निमित्र में एक इंसिडेंट रिप्रेजेंट करा गया है कि किस तरह से जो पुष्यमित्र सुंगा जब क्या परफॉर्म कर रहे थे, देवर परफॉर्मिंग अश्वमेध अश्वमेध सेक्रीफाइसेस
तो किस तरह से यवनाज ने इनको चैलेंज किया था? यवनाज चैलेंज्ड देम, तो ये सारी चीज मालविका अग्निमित्रम के अंदर मेंशन है। चलिए जी, ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि ये दो एविडेंसेस हैं, किसी स्पेसिफिक बुक के अंदर लिखे गए हैं, तो ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो पतंजलि थे ना, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू पुष्यमित्र सुंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुष्यमित्र सुंगा के कंटेम्प्रेरी थे। कौन? पतंजलि, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद ना दिव्य वदाना, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सोर्सेज ऑफ सोर्सेज दैट रिप्रेजेंट दैट शुंगाज वर द ब्राह्मण्स, तो वहाँ पे ना एक और लास्ट में मैंने आपको बताया दिव्य वदाना, तो जो दिव्य वदाना है उसमें एक और चीज़ बताई गई है कि जो पुष्यमित्र सुंगा थे, ही वॉज वेरी क्रूअल टूवर्ड्स बुद्धिज्म। अगेन देखो, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं, क्यों? क्योंकि देखो, अब ये ब्राह्मण्स आ गए, अब ये बुद्धिज़्म के अगेंस्ट हो गए, सॉर्ट ऑफ ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। पर बाद में हम देखते हैं कि जो पुष्यमित्र सुंगा थे, तो बहुत सी मोनेस्ट्रीज ऐसी थी बुद्धा की जिनको इन्होंने रिपेयर भी कर पाया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हम बोल सकते कि पूरी तरह से अगेंस्ट थे या पूरी तरह से इनके फेवर में थे, पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। बट आपको बस ये सोर्सेज याद रखने हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे बताई गई है। देन तो दिस इज़ अबाउट द पुष्यमित्र सुंगा। नाउ वी विल बी डूइंग अबाउट द अग्निमित्रम। अग्निमित्रम जो है, या अग्निमित्र जो है, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्र सुंगा, सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्र सुंगा। अब जो एक बुक मैं बार बार बोल रही हूँ ना, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, किसके ऊपर थी? इसके जो बुक है, इस बुक के जो हीरो हैं वो कौन थे? अग्निमित्र ही थे। रोमांटिक ड्रामा है, थोड़ा सा फनी भी है और रोमांटिक ज़्यादा है, ठीक है। और जो अग्निमित्रम हुआ करते थे, ही वॉज द वॉइस रॉय ऑफ विदिशा, जो विदिशा वाला एरिया था वहाँ के वॉइस रॉय थे जब पुष्यमित्र सुंगा किंग हुआ करते थे। तो इतना ही है अग्निमित्रम के बारे में, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आता है भागभद्र, या इनको भागवता भी बोला जाता है, कहीं जगह पे बोला जाएगा कि ये फिफ्थ किंग थे, कहीं पे बोला जाएगा नाइन्थ किंग थे, तो ये श्योरिटी नहीं है कि कौन से किंग ये हुआ करते थे, पर ये एक एविडेंस है कि ये नाइन्थ किंग थे, ही वॉज नाइन्थ किंग थे। कहाँ पे मैंशनड है? तो इट वॉज इंडिकेटेड बाय द बेस नगर पिलर, बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। तो इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर हमें मेंशन है कि जो भागभद्र हुआ करते थे, इनसे पहले बहुत ही वीक रूलर्स आते हैं, और ही वॉज कंसिडर्ड एज द नाइन्थ किंग। हेलियोडोरस का एक पिलर भी देखने को मिलता है एट विदिशा। पिलर कुछ नहीं है, फोटो की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ नीचे पिलर होगा, ऊपर कैपिटल होगा इन्वर्टेड शेप में, और उसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, तो दैट वॉज द पिलर। दैन फिर इसके बोला जाता है ये हेलियोडोरस कौन हुआ करते थे? तो ग्रीक एम्बेसिडर थे ये, ग्रीक एम्बेसिडर ऑफ इंडो ग्रीक रूलर, जिनका नाम था अम्तालिक, अम्ता लाकिता, अम्ता लाकिता। डन, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तक्षशिला वाले एरिया में हुआ करते थे, तो ध्यान रख लेना। अच्छा, इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो भागवता होते थे, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण। कहाँ पे मेंशन है? अगेन बेस नगर पिलर के ऊपर ही, तो ये मेंशन है कि ये भागभद्र जो थे, इनका नाम भागवता इसलिए पड़ा क्योंकि ये लॉर्ड कृष्ण और साथ में गरुड़ा के वर्शिप किया करते थे, गरुड़ा यानी कि विष्णु का जो व्हीकल है उनके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेंशनड हैं ऑन द बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है नाइन्थ किंग के बारे में, यानी कि इनको नाइन्थ किंग कंसीडर किया जाता है। कहाँ पे मिलता है? तो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर, और साथ में इनका नाम भागवता भी पड़ा था, ये वर्शिपर थे लॉर्ड कृष्ण और गरुड़ा के, ठीक है। तो भागभद्र और भागवता जिनको बोला जाता है, उनके बारे में आपको सिर्फ इतना ही रखना है याद। जो देवभूति थे, इनको देवभूमि भी कहा जाता था, तो ये जो देवभूमि थे, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगास।
ठीक है, लास्ट रूलर हुआ करते थे शुंगास डायनेस्टी के। तो हर्षचरिता के अकॉर्डिंग, हर्षचरिता किसने लिखी? ट्राई टू रिमेम्बर, बाणभट्ट ने। अब मैं बार बार नहीं बताया करूंगी, बोला करूंगी, लिखूंगी नहीं दोबारा से, ठीक है। तो हर्षचरिता बुक के अंदर ये बोला जाता है कि जो ये देवभूति थे, देवभूति, इनको किसने मार दिया था, या देवभूति बोलो, देवभूमि बोल दो, किल्ड बाय एक और ब्राह्मण आदमी है जिनका नाम था वासुदेव कना। और जैसे ही वासुदेव कना भी इनको मार देते हैं, तो इनके बाद डायनेस्टी पड़ जाती है कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। और ये बोला जाता है अब जो एम्पायर था वो कहीं ना कहीं टूट चुका था, और जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट था वहाँ पे कौन रूल कर रहे थे? सेंट्रल इंडिया। तो ये सेंट्रल इंडिया अलग हो चुका है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अलग हो चुका है, साइड में ईस्टर्न इंडिया अलग हो चुका है, साउथ में अभी भी थोड़े थोड़े कौन बचते हैं, जो थे आपके सुंगास, पर सुंगास को कोई और रिप्लेस कर लेता है। कौन रिप्लेस करता है? तो सतवाहनास। सतवाहनास के ऊपर एक फुल फ्लेश्ड लेक्चर आएगा, क्योंकि उनकी हमें सोसाइटी देखनी पड़ेगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सुंगास का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कन्वास का इतना इंपॉर्टेंट है, बट इनका देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पोस्ट मौर्यंस के ऊपर भी एनालिसिस करनी हो, तो वहाँ पे भी आप सुंगस के बारे में भी बताओगे, कन्वास के बारे में भी बताओगे, सतवाहनास, छेदी, तो बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, वन बाय वन देखते चलेंगे, डन। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई, और यहाँ पे इस वाले एरिया में आ जाते हैं आपके कन्वास, इस वाले, फिर इस वाले, ठीक है। अभी देखते हैं वन बाय वन क्या क्या ये करेंगे आप कन्वा डायनेस्टी के अंदर। तो कन्वा डायनेस्टी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट किंग हैं वो तो हैं एक तो वासुदेव कनव, ठीक है। वासुदेव कनव के बारे में अब देख लेते हैं। वासुदेव कनव की अगर बात करें, तो जो ऋषि कनव हुआ करते थे उनके डिसेंडेंट इनको माना जाता है, कंसीडर्ड एज डिसेंडेंट ऑफ कनव ऋषि। कहाँ से इन्होंने रूल किया? तो पाटलिपुत्र, बिहार वाला जो एरिया है ना आज का, तो वहाँ से इन्होंने रूल किया। वैसे तो हमें कन्वास के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर यस बाद में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए तो वहाँ पे उनका मेंशन है। तो आपके जो वासुदेव हैं इनको एक और टाइटल दिया गया है, जिसको कहा गया सुंगा भृत्यास। सुंगा भृत्यास का लिटरल मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ सुंगा, सर्वेंट ऑफ, क्योंकि ये मिनिस्ट्री हुआ करते थे एक अंडर द देवभूति। तो देवभूति को इन्होंने मार दिया, क्योंकि वो बहुत वीक रूलर थे, तो उसकी वजह से इन्होंने मार दिया, और फिर रूल स्टार्ट कर दिया अपना फ्रॉम द पाटली पुत्र। तो इनको एक टाइटल दिया गया सुंगा भृत्यास, सर्वेंट ऑफ सुंगास। आफ्टर दैट इसके बाद आते हैं आपके शाकाज थोड़े टाइम में, और जो शाकाज हैं दे रिप्लेस कन्वास। ये ओवरऑल बोला, अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ एक सोर्सेज में क्या बोला जाता है कि जो लास्ट रूलर हुआ करते थे दैट वाज नॉट द वासु देव कन्वा, बट जो लास्ट रूलर थे वो थे सुशर्मन, लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। तो दैट इज मेंशन्ड बाय सम स्कॉलर्स की लास्ट रूलर जो हैं, कईयों का मानना है कि सिर्फ कन्वा डायनेस्टी में एक ही किंग है वासुदेव, और उनको बाद में मार दिया गया शाकास के थ्रू, और फिर उसके बाद कोई किंग नहीं आया। बट फिर कई स्कॉलर्स अगेन बाकी टेक्स्ट से देख के बोलते हैं कि नहीं, इनसे सुशर्मन भी आए थे, और सुशर्मन से पहले एक और किंग थे इनका मानना है। तो कुछ का मानना है कि सुशर्मन ने सक्सेस किया, कुछ का मानना है कि नहीं, सतवाहना डायनेस्टी के सिमुका हुआ करते थे, सिमुका ऑफ सतवाहना, उन्होंने इनकी डायनेस्टी को ख़त्म किया। तो देर आर सो मैनी कॉन्ट्रोवर्सीज, उनमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको वासुदेव के बारे में ही याद रखना है, वो भी सुंगा भृत्यास इनको बोला जाता है, इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, ठीक है। अब बोला जाता है कि इनके कंटेम्प्रेरी अगर देखें तो बहुत सारे आ जाते हैं। अब कौन कौन आते हैं? जैसे कि आपके इंडो ग्रीक्स, वो डिमेट्रियस वगैरह, उनके बारे में आप देखेंगे। मियांदर, आपको अगर ध्यान हो, मियांदर के बारे में मैंने बताया था, मियांदर जब क्वेश्चनिंग करते हैं नागा सेना से, फिर उस पर एक बुक लिखी जाती है मिलिंद पानू, तो वो भी आएंगे इंडो ग्रीक्स के अंडर। इंडो ग्रीक्स के साथ साथ और जो कंटेम्प्रेरी लोग हुआ करते थे या किंग्स हुआ करते थे, दे वर द साइदियंस, साइदियंस या इनको शाकास भी कहा जाता है, ठीक है। फिर पार्थियंस आ जाते हैं, पार्थियंस के साथ साथ पहलवाज आ जाते हैं, फिर कुषाण आएंगे,
ठीक है। अब बोला जाता है ना सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है बट कल्चर भी चेंज करेगा कहीं ना कहीं। आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको कल्चर चेंज होता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे आपको कंटेम्परेरी, जैसे मैंने बताया पतंजलि जो थे देवर स्पेसिफिकली कंटेम्परेरी टू पुष्यमित्र सुंगा, कंटेम्परेरीज आपको पता होने चाहिए। ठीक है चलो, दिस इज़ अबाउट योर सुंगा डायनेस्टी एंड द कन्वर डायनेस्टी। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द इंडो ग्रीक्स और बैक्ट्रियन किंग्स। उसमें हम डिमेट्रियस के बारे में देखेंगे, मियांदर के बारे में, और एक हर्मियस करके होते थे वो उनके लास्ट रूलर आएंगे। फिर इम्पैक्ट क्या क्या रहा इंडो ग्रीक रूल का, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। और शाकाज और साइदियन जो हैं उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, तो आई विल डिसाइड या तो इंडो ग्रीक्स के साथ शाकाज कर दूंगी कंपाइल, या फिर शाकाज को फर्दर पार्थियंस और कुषाण के साथ कंपाइल करूंगी। दैट आई विल सी। स्टिल अभी के लिए इतना ही। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करें। आप डाउनलोड तो कर लेते हो पीडीएफ्स बट सब्सक्राइब भी कर देना उसको। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।